हाँ बोलो। हाँ भाई, हम आए हैं इटावा के घोड़ा चाय पे, और पता नहीं यहाँ क्यों फेमस है ये, समझ नहीं आता इसका नाम घोड़ा चाय क्यों पड़ गया। जाओ घोड़ा चाय पता ना क्या, मामा तो बताओ मामा बताओ ना घोड़े चाय क्या जाते हैं, मामा जी बताएंगे घोड़ा चाय का नाम क्यों पड़ा, बताइए घोड़ा चाय क्यों है। कैमरा मैन फोकस करो मामा, हम तो जब से इटावा में आए तब से यही देखते चले आ रहे, बहुत पहले से कहा था कि जाने कभी मिलाए देते हैं नहीं ताकि मारा आदि ज्यादा पिए जाए, शायद पास करो हाँ जी, ये थोड़ी कड़क होती है इसलिए घोड़ा चाय। हाँ भाई कैसा लग रहा है आप जा रहे हो? बढ़िया, हम जा रहे कह रहे हो और बिना कहे रो रहे कैसे दे हो क्या बन गई हो घोड़े की चाय, ये तो बताओ उसमें घोड़े की चाय ऐसा है क्या, वो बंद नहीं है वो चालू है चाय तो सही है, घोड़े जैसी फुर्ती पीने के बाद घोड़े जैसी फुर्ती है। हाँ ये बात, ये राज है, सीट खाली हो गई घोड़े जैसी चाय, घोड़े की चाय घोड़े जैसी फुर्ती, कड़क चाय मोहिनी चाय बड़ा बड़ा फुर्तीला जानवर है चाय पी के भगवान जाना फुटते है तो पता चले गायब भैया,